हेलो फ्रेंड्स, गुलाब जामुन एक ऐसी मिठाई है जो हर किसी को खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। इसके लिए आपको कोई भी त्यौहार का इंतज़ार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आपका मन करे हलवाई स्टाइल घर पे ही गुलाब जामुन बना के तैयार कीजिएगा। एकदम जूसी रसीली गुलाब जामुन बनाने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हर स्टेप में आपको बताऊंगी ताकि आपकी गुलाब जामुन पहली ही बार में हलवाई स्टाइल बन के तैयार हो जाएँ। सबसे पहले ले लेना 400 ग्राम मावा। मेन पॉइंट ताज़ा मावा होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने मावा लिया है। इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच मीठा सोडा। मिश्रा सोडा डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप मैदा। इसमें हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करते जाएंगे। ज़रूरत के हिसाब से हमको यहाँ पे मैदा ऐड करना है, ज़्यादा मैदा नहीं डालेंगे वरना इसमें मैदा का ही टेस्ट आएगा। साथ ही में इसमें अब थोड़े से पानी के इस तरह से छींटे लगा लेंगे ताकि हमारा सॉफ्ट डो बन के तैयार हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लीजिए, यहाँ पे हमने इस तरह से डो लगा के तैयार कर लिया है। अब हम इसको ढककर 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब हम इसके लिए चाशनी बना के तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे हमने 2 कप चीनी 2 कप पानी लिया था, तो इस तरह से हमारी चाशनी जो है बनके तैयार हो चुकी है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं चीनी का मेजरमेंट आपको नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन इस तरह से हमको चिपचिपी चाशनी जो बना के तैयार करनी है। अब हम इसको ढककर साइड में रख देंगे। चलिए अब हम चलते हैं गुलाब जामुन बनाने की प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमने डो को फूलने के लिए रखा था, यहाँ पे हमारा डो अच्छी तरह से फूल के तैयार हो चुका है। अब हम इसको और एक बार अच्छी तरह से मसल लेंगे। तो यहाँ पे हमने डो को इस तरह से मसल लिया है। अब हम इसकी इस तरह से छोटी छोटी लंबी वाली गुलाब जामुन बना के तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा इस तरह से मिश्रण लेते जाएंगे और इसको इस तरह से मसलते हुए इस तरह से लंबी वाली गुलाब जामुन बना के तैयार कर लेंगे। ठीक इसी तरह से हम सारे गुलाब जामुन को बना के तैयार कर लेंगे। अगर आपको गुलाब जामुन का लंबा शेप पसंद नहीं है और गोल वाली बनाना चाहते तो आप इसको गोल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लंबी गुलाब जामुन बना के तैयार कर ली हैं। इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम एक एक करके इस तरह से गुलाब जामुन डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से गुलाब जामुन डाल दिए हैं। गुलाब जामुन डालने के बाद डायरेक्टली हम इसमें चम्मच नहीं डालेंगे, सीधा कढ़ाई को इस तरह से हिला देंगे। अब हमने 2 मिनट के बाद इस तरह से छोटी वाली चम्मच ले ली है। छोटी वाली चम्मच की मदद से इस तरह से इनको उलट देंगे और दोनों साइड से अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमारी गुलाब जामुन अच्छी तरह से सिक के तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद सीधा डाल देंगे चाशनी के ऊपर। ठीक इसी तरह से हम सारे गुलाब जामुन बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सेकंड बैच की भी इस तरह से गुलाब जामुन बना के तैयार कर ली हैं। इसको निकालने के बाद सीधा डाल देंगे चाशनी के ऊपर और 15 मिनट के लिए इसी तरह से हम छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद देखेंगे तो एकदम हलवाई स्टाइल एकदम रसीली जूसी गुलाब जामुन बन के हमारी तैयार हो चुकी हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।